दिस इज जेनरेशनल ट्रॉमा ना रबिया, इसको कहते हैं जेनरेशनल ट्रॉमा. अब जेन जी सुन रहे हो, कौन जेनरेशनल ट्रॉमा, इसकी हम रील अलग निकालेंगे. ये होता है जेनरेशनल ट्रॉमा. एंड लाइक लिटरली वुमेन अराउंड मी हु आर एजुकेटेड एंड हु आर इन वेल ऑफ सिचुएशंस, फाइनेंशियल सिचुएशंस, are not, they're like, I can't start from scratch again. Yeah. I can't step out of this relationship and start again, so I'll True. Bear with this. But ye mujhe lagta hai ye bahut justified reasoning hai, kyunki na aapka system aisa hai jo ek working woman ko support kare. I get that. It's very difficult. Na aapka societal jo block hai in terms of family ya aapki jo fam, wo ऐसा नहीं है जो सपोर्ट करे कि हाँ औरत अकेली. यू आर ट्रूली ऑन योर ओन. यू आर ट्रूली ऑन योर ओन. फिर जो आपको चैलेंजेस और फिर जो जजमेंट्स फेस करनी पड़ी, आई थिंक इट्स अ ह्यूज चैलेंज. सो मैं टू सम एक्सटेंड अंडरस्टैंड कर सकती हूँ. आई गेट दैट बट एट द सेम टाइम, हाँ एट द सेम टाइम मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फॉर समवन who has broken barriers, you know, not these barriers because these are very difficult to break, but trust me, the freedom that it brings you, जब आप ये जंजीरें जब अपनी तोड़ते हैं ना, जब आप अपनी कुछ कस्में तोड़ते हैं, तो उसके बाद जो फ्रीडम आपको मिलता है ना, तो वो आपको कहता है कि इट वॉज वर्थ इट. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, मुझे लगता है कभी कभी सोल्यूशंस को भी डिस्कस जरूर करना चाहिए. बिकॉज़ प्रॉब्लम्स, आपको क्या लगता है? मेरे जहन में तो ऐसा आता है कि हम औरतें एक दूसरे को सपोर्ट करके, अगर कोई कर रहा है काम, डू व्हाटएवर यू कैन टू मेक दैट पर्सनस लाइफ इजियर. यस, यू नो, आई थिंक इट्स सो इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट. वी हैव टू स्टॉप टेकिंग ईच अदर एज कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन्स नहीं, कॉम्पिटिशन, इंग्लिश सही कर लूँ मैं. ये माँ बाप, मुझे लगता है उनकी सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है टू लेट कि वो बच्चों को फ्लाई करने दें, बट बी देयर टू कैच देम इफ दे फॉल. नहीं, अगर नहीं भी है ना, काफ़ी जगहों पे ये लग्जरीज हैं, ये नहीं होती हैं. तो यहाँ पे क्या काम आता है बताएं? मनी. ओके, सो यू आर सेइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. एंड इफ यू आर मैरिड देन यू शुड ऑलवेज हैव सेविंग्स दैट योर हस्बैंड डज नॉट नो अबाउट. Literally, you know, do not share your finances with everyone. अच्छा, मैं उस साइड पे नहीं जाऊंगी, but I do feel कि and मैं तो अब जब हम ये बात करें, I'm really, मुझे मजा आ रहा है ऐसी बातें करके, because I think it is so important. Talk about एक औरत का अपना personal account क्यों नहीं हो सकता शादी के बावजूद? Joint account होना क्यों जरूरी है? भाई, आप कल को नहीं होंगे जिंदा, आप लोगों में अलहदगी हो जाए जो भी, तो उस औरत को आपने इस काबिल तो कर दे कि वो कल आपके ऊपर बोझ ना पड़े, आपकी जान का बोझ ना. ऐसी खवातीन को भी जानती हूँ जो कि काम करती हैं लेकिन उनकी सैलरीज भी उनके हस्बैंड्स के अकाउंट में जाती हैं, उनके अकाउंट में नहीं आती हैं. ऐसी भी खवातीन होती हैं. एंड लाइक हाउ एंड व्हाई, बट एट द सेम टाइम, यू नो, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि फॉर मी टॉप मोस्ट सोल्यूशन इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू स्टिक बाय योर डिसीजंस. It will. अच्छा, मुझे लगता है more than any relationship. I agree with you 80%. लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है 20% कि because you know it's not one factor. It's finances plus your mental training. तो आपको कितनी, आप लोग अमीर भी हों तो आपको ट्रेन ही mentally उसमें नहीं किया कि आप में इतनी सलाहियत हो कि आप इस तरह सोच के अपनी financial stability का फायदा उठा के अपनी situation से निकल सकें या अपने हक के लिए. जैसे आपने कहा कि वो औरतें जो कमा भी रही हैं उनकी सैलरी भी उधर जाती है. अब वो उनके हालात भी हो सकते हैं, उनका थॉट प्रोसेस भी हो सकता है. देयर कैन बी सो मेनी चैलेंजेस. सो यस, देयर आर, बट देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एंड द थिंग इज कि बी एंड बी मोर वोकल अबाउट योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज यू नेवर नो कि कहाँ किसने सुना, वेयर द यूनिवर्स डिसाइड्स टू हेल्प यू आउट. यू नेवर नो. So be vocal about your problems. You never know who will help you out, because जब अपने नहीं होते तब अजनबी होते हैं. और दुआ, अल्लाह कहाँ से क्या वसीला बनाता है आपको पता ही नहीं है. But I think जब हम इस टॉपिक पे बात करें तो ये नहीं है कि हम कोई रिबेलियन मूवमेंट क्रिएट करें, बट आई थिंक दीज आर नॉट थिंग्स जो माएँ सुन रही हैं, लड़कियाँ सुन रही हैं, यू नो, जो भी बाप भी सुन रहे हैं, भाई सुन रहे हैं, तो दे शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स. के बिकॉज मैं तो कहती हूँ बाद में आपका मसला कम होगा, भाई आप भी सुकून से रहिएगा, वो भी सुकून से रह रही होगी. नहीं, मुझे तो ये होता है कि ऑनेस्टली आई फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, यू नो, वैन यू डोंट हैव योर ओन
blood relationships sticking up to you, then then strangers come up. They do. And that is the family you make then. That is the family you choose. Yeah, true. That's true. And that is the family then that you stick by then. Yeah. You know, so एक कदम लेने की देर होती है सब ठीक हो जाता है. But would you say favoritism exists? Casting couch exists करता है? हाँ. अभी भी आज के 2024 में भी यार you know मुझे मसला किस चीज से है कि जब आप कास्टिंग काउच के बारे में बात करना शुरू करते हैं ना तो सब कहते हैं कि हाँ तो उसने भी किया ना, हाँ तो उसको करना था ना, हाँ तो why did she do it? You know, just because she did it does not make it consensual, because this has come as a prerequisite to the job that she applies for. Yeah. It does not make it consensual. And this only requires a little bit of reading. A little bit aapko hansna nahi chahiye, aap itni serious baat kar rahi hain. Because Rabia, you know, because a lot of times, you know, main thodi disappoint bhi hoti hu jiske upar mujhe hota hai ki yaar agar to bolna hai to theek cheez bolo warna na bolo. Chup kar jaye please. So jaise jaise a lot of people are like feminism is ye kya hota hai, it's an evil thing or ye or wo. But how we believe in gender equality, mere bhaiyon aur behno, gender equality and feminism is the same thing. All that you need to do is google it. That's it. That's it. Just google the definition of feminism and you'll find out what I'm talking about. So yeah, the look, people then start talking about stupid things. Ke, you know, then hab to phir theek hai ladkiyan bhi physically wahi kare jo ladke karte hain ye wo. Maine kaha bhai, you have to, we're talking about the grassroots level things over here, rights, you know, we're talking about rights. Aur jo kuch aage piche ho raha hai hamare, everything abhi sab sare cases is waqt peak pe chal rahe hain Rabia. Everything's out there in your face. तो अगर ये सब कुछ देखने के बाद भी if you refuse to be more flexible with your opinions and with your conversations, then I think you are the problem. Okay. You know? And the thing is, I refuse to cater to these opinions and these people because आप you're adding fire, you're adding fuel to the fire. Yeah, that's what you're doing. You know, aap, but aapko lagta hai kahin kahin aurat march and the whole concept has damaged the idea of feminism? No, ye aapko nahi lagta? Nahi Rabia, do you think aurat march represents all the females? I don't feel aurat march represents me, for example, you know. I get that, but then again Rabia, we're very lucky women. Yeah, you know, we're maybe challenges har kisi ke different hote hain, but we can deal with them with more convenience as compared to a lot of women that aurat march is for. Okay, you know, and mujhe yaad hai shuru mein jab main aurat march mein jaati thi, तो आई रिमेंबर एक ग्रुप आया हुआ था फैसलाबाद से ऑफ वुमेन बस में ट्रैवल करके. एक ग्रुप सखर से आया हुआ था बस में ट्रैवल करके औरतों का. आई वाज लाइक दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ इट्स अ डिफरेंट, अब नाउ द मीडिया डिड नॉट पिक दैट अप. तो मीडिया, ओके, आप बात कंप्लीट, यू नो द मीडिया डिडंट पिक दैट अप, दे पिक्ड अप समथिंग एल्स. सो यहाँ पे मैं मीडिया को भी थोड़ा सा मैं अकाउंटेबल ठहराऊंगी, बिकॉज आई वॉज देयर एंड आई सॉ कि लड़कियाँ कहाँ कहाँ से आई हुई थी, किन केसेस को रिप्रेजेंट कर रही थी वो, किस छोटी छोटी आबादियों को वो रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन आपने उनको छोड़ के आपने क्या उठाया, यू नो.